सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद श्री नानक अंगद गुर अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गोर तेग बहादुर चंद दसवें गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरबिंद जिसम है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा शस्त्र धार के खाइए ए शत्रन की रीत दिज संतोखी दान पाल खावै भजै सुमीत शस्त्र धार के खाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भगत वशल कृपा नदान जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज पातशाह तिना सतगुरां दे पावन चरण कमलां दियां हाजरियां भर रहे गुरु सवारी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमतां दा सदका आपां नूं सुभाग समां हजूर ने बख्शिश कीता है सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन दीदार करदिआं साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन चरणां दी हाजरी भर करके
अपना जीवन सफला बनाउण दा यतन कीता है। हर रोज़ दी तरह गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान खाल विखे साहिबे कमाल दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज तिना सतगुरां दे पावन पवित्र इतिहास की लड़ीवार कथा विचार आपां हर रोज़ सरवण करन दा यतन करदे हाँ। अज भी सतगुरां इस भाग बख्शिश कीता है जो उपदेश जो सिखियावां सतगुरां ने साडे ताईं बख्शिश कीतियां है। कुछ समां मनचित बिरतियां कागर करदियां सतगुरां दा पावन पवित्र इतिहास सरवण करन दा यतन करिए। कल दे दीवान अंदर आपां सरवण कीता सतगुरां ने साडे ताई अपने सिखां दे ताई किया भी भाई मेरा असली सिख वह है जिहड़ा गुरु साहिब की दरसाई मर्यादा ते अकाल पुरख परमेशर दे दसे हुए सिधांत ते चलण दा यतन करे, जिहड़ा भीख दे नाल प्यार करदा भीखी सिख है, उहदे नाल मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, उहदे नाल मेरी कोई सांझ नहीं। सिख जिहड़ा है उहदा किरदार बड़ा उच्चा सुच्चा होना चाहीदा। किवें सतगुरां ने सानूं इह सारियां बख्शिशां कीतियां आपां कल सरवण कर रहे सां, इत्थों तक हजूर ने साडे गां बच्चियां दे गृहस्थी जीवन दे विच असीं किवें उहनां नूं प्रवेश करना, किथे उहनां दा रिश्ता नाता जोड़ना, ये सारा कुछ बख्शिश करके दस्सिया। कन्या देवे सिख को लेवे नह किस दाम, सो अपनी पुत्री दा अपनी धी दा रिश्ता करन लग्गिया वी सिख दे बच्चे दे नाल सिख दे नाल ही रिश्ता नाता जोड़ना है। भुल करके भी किसी होर किसी दंभी पखंडी नूं मनन वाले दे नाल अपना रिश्ता नाता नहीं जोड़ना, जिन्हों गुरु घर की कोई भय भावना ना होवे, जिहड़ा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दे दरसाए मार्ग ते ना चलदा होवे, उहदे नाल कदे वास्ते कोई रिश्ता नाता नहीं जोड़ना। ते हजूर ने अगे बचन कीता, सोई मेरा सिख है पहुँचे ले लै मम धाम। जिहड़ा साडे दरसाए हुए बचना ते पई चलण दा यतन करेगा ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਲੇ ਨਾ ਦਾਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਛੱਕ ਲਵੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕਰਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਬਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ,
मेरा खालसा जिहड़ा है हिंदू अते तुरक इन्हां दोहां ही धर्मां तों किसे प्रकार दा इन्हां दोहां धर्मां दी मत नूं मनण वाले लोकां दा किसे प्रकार दा कोई डर कोई भय नहीं धारण करेगा। जेकर जुल्म हो रहा है किसे दे उत्ते निहत्थे दे वार कोई कर रहा है तो उहदे नाल जा करके खड़ना उहदी जा करके सहायता करनी किसे दी बेपती होण तों बचाउणा इह मेरा खालसा है। सो किसे दी बेपती करनी किसे निहत्थे ते वार करना किसे गरीब दे उत्ते तशद्दद करना किसे गरीब दा हक खो लैणा किसे नूं धक्के नाल ही किसे गरीब नूं दबाउणा इह मेरे सिख दा किरदार नहीं। मेरा सिख जिहड़ा है वो बड़ी चढ़दी कला वाला ते उच्चे सुच्चे किरदार दा मालक होवेगा। सो इस तों अगे इह वी बख्शिश कीती हजूर कलगीधर दशमेश पिता ने जिहड़े लोकां दी कीती होई कमाई दा खून चूस चूस के लोकां दी खून पसीने दी कमाई दे विचों केवल ठगियां ठोरियां मार करके ही अपना टाइम पास करदे है गरीबां दा हक खो लैना उहनां दे नाल धक्केशाही कर लैनी उहनां दा बणदा हक किसे नूं ना देना उन्हां दे हथ नूं लग्या होया कोई जल पाणी कोई भोजन कोई प्रशादा वह भी नहीं छकना और जदों भी किते प्रशादा पाणी छकना कि जल पाणी छकना तो किरती सिख दे कोलों छकना जिहड़ा किरत कमाई करन वाला होवे अकाल पुरख परमेशर दी भै भावना दे विच रह करके जिहड़ा अपना जीवन बसर करदा है। सो असली हजूर कहिंदे वह मेरा सिख है जिहड़ा परमेशर दी भय भावना भगती करदिआं उहदे हुकम दे विच रहिंदिआं होइआं गृहस्थी जीवन दे विच रह करके परमेशर दे प्रेमा भगती दे विच लीन हुंदिआं अपने दसां दाउआं दे नाल किरत कमाई करे ते वंड के छके असीं उहदे ते सदा वास्ते प्रसन्न हाँ। सो इस तों अगे हजूर ने भी बचन कीता सो मेरा हों तिसके संग जिहड़ा अकाल पुरख परमेशर दे दर्साए हुए मार्ग ते चलदा है किरत कमाई करके छकन वाला है अपना रुखा मिसा भोजन छक करके प्रशादा छक के आनंद माणदा हजूर कहिंदे मैं उहदा ते उह मेरा है। सो इत्थे कोई बहुते ज़्यादे तनाड़ कोई जंगे वड्डे धनवान लोग किसे दे नाल ठगियां मारियां किसे गरीब दा धन मार लैणा किसे दी मेहनत नहीं देनी किसी का मेहनताना दब लैना यहो जिहा हजूर कहिंदे मेरे सिख का किरदार नहीं होवेगा। सो जिहड़े किसी का धन दबदे ने किसी का मेहनताना दब लैना किसी का बनदा हक उहनू ना देना और उन्हां गरीबां लोकां दा खून चूस चूस के ते मुड़ के वह दान करे वह दानी बने वह कहे कि मैं लंगर लाउणा मैं भंडारे लाउणा जां ओह किते कहे कि मैं गरीबां दे विच लोड़वंदां नूं कोई वस्तु वरताउणा इन्हां तों भुल करके भी हजूर कहिंदे जे ऐसे इंसान दा पता लग जावे दान नहीं लैणा उहदे कोलों किनका मात्र भी कोई वस्तु लै करके नहीं छकणी। जे कोई इहो जे लोभी लालची बंदे तों गरीबां दा हक मारन वाले तों लोकां दा खून चूस चूस के जिहड़ा तनाड़ बणिआ होवे उहदी माया जिहड़ा मेरा सिख भी लवेगा भई उहनूं भी सजावां मिलणगियां वह भी दुख भुगतेगा। इस तरह हजूर ने बेअंत बख्शिशां कीतियां कलगीधर दशमेश पिता ने अपने सपुत्र खालसे दे ताईं बहुत ज़्यादियां सिख्यावां दी दात बख्शिश कीती है जिवें सतगुरु जी अगे रहमत कर रहे ने कृपा कर रहे ने बख्शिशां करदे है कुछ समां मनचित बिरतियां नूं कागर करदिआं सतगुरां दा पावन पवित्र इतिहास सरवण करन दा जतन करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी दोहरा शस्त्र धार के खाइए ए शत्रण की रीत। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी जिथे साडे ताईं बचन कीते भी गुरु क्या सिखा गृहस्थ जीवन दे विच रह करके उस वाहिगुरू अकाल पुरख परमेशर दी बंदगी भगती करदिआं उहदी भै भावना दे विच रहिंदिआं अपना जीवन सुख आनंद दे नाल बसर करी। इस तों अगे हजूर ने सूरमियां दी मर्यादा दसी
कला जिहड़ा सिख है जिथे वह भगती करे परमेश्वर का नाम जपे उत्थे शस्त्रधारी होना भी जरूरी है। जे कोई परमेश्वर का नाम स्मरण करदिआं माला फेरदिआं जप तप करदिआं बंदगी भगती करदिआं कोई लोभी लालची कोई रब दे घर दा दुखी इंसान आण करके माला खोण दा यतन करदा परमेश्वर दा नाम जपण दे विच विघन पाउंदा है ते तेरे कोले शस्त्र होना भी जरूरी है। उत्थे फिर सूरम गति भी विखाउणी है उत्थे आ शस्त्र दे नाल अपनी रक्षा भी करनी ते वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर दी बंदगी भगती दे विच रुकावट बनदा जिहड़ा रोड़ा है उन्हों भी साफ करना है। उदों सूरम सूरमा कहा जाता है सूरम गति है किसी के उत्ते कोई जुल्म करता है तो उदे नाल ढाल बन के खड़ जाना जुल्म नू रोकना यह भी छतरी का धर्म है सूरमे का धर्म है। तो हजूर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे सूरमे का धर्म इत्थों तक है कि वह शस्त्र का वसा ना करे। अज भावें असी अमृतधारी हो करके भी गात्रा पाउण तों वड्डी श्री साहब अपने गात्रे दे उपर पाउण तों भी अजकल असी झिझकदे हाँ और शस्त्रहीणे हो करके कल्ले हथ लमका करके तुरे फिरदे हैं। पर साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे मेरा खालसा जिहड़ा उह शस्त्र दा प्यारा होवे शस्त्रां दे नाल प्रेम करन वाला होवे शस्त्र धार के खाइए यह शत्रन की रीत जदों प्रशादा भोजन भी छकना है ना उदों भी शस्त्र तेरे कोल होवे तेरे गात्रे दे विच कृपान वड्डी होवे तेरे कोल शस्त्र होवे शस्त्र बस्त्र सजा करके फिर चौंकड़ा मार करके उस वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर का शुकराना करके फिर प्रशादा पानी छके ये सूरमिया दी मर्यादा है। दिज संतोखी दान पाल खावै भजै सो मीत ते सूरमे दी हजूर कहिंदे ये निशानी है भी जदों प्रशादा पानी छकेगा वो प्रशादा पानी छक ते चौंकड़ा मार करके अपने शस्त्र का माण सत्कार बहाल रखदा है उहनूं पता हुंदा है भी उस जूठा हथ जिहड़ा है अपने शस्त्र नूं नहीं लगण दिंदा कदे पैरां दे नाल अपने शस्त्र नूं छूह नहीं दिंदा। वो बहुत ज़्यादा माण सत्कार जिहड़ा असली खालसा है वो अपने शस्त्र दा करदा है गुरु दे समान शस्त्रां दी पूजा करदा है। सो इस तों अगे हजूर ने बचन कीता कि जिहड़ा प्रशादा पाणी छकाउणा है भाई कोई खालसा लिबास धारण करके कोई लोभी आन करके कोई लालची केवल वह पोशाका ही पहनिया होवे खालसा ही लिबास ही विच पहनिया होवे उहदे विच खालसियां वाला कोई गुणी ना होवे किते कोई रब की भै भावना परमेश्वर की बंदगी करन दा उहदे कोल समय ही ना होवे इहो जे सिख नूं प्रशादा नहीं छकाउणा इहो जे सिख नूं दान देण दा कोई फायदा नहीं। जे दान देना है तो गुरु को सिखो दसां नौहां की किरत कमाई दे विचों दसवंध दे विचों दान देना है तो जिहड़ा संतोखी सिख होवे संतोख दे विच रहन वाला होवे जो परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख दे घर विचों उस मालक ने बख्श दिता उहदे भाणे दे विच रहना उहदे भाणे दे विच रह करके आपदे आनंद दे विच रहना गुरबाणी पढ़नी सेवा सिमरन करना वह संतोखी सिख है। तो जिहड़ा केवल किसी ना किसी पासे झाकी जाना किसी ना किसी पासों हाथ पैर मारी जाने इतों भी धन मिल जाए इतों भी मिल जाए प्रशादा छकांगे तो सानू की कोई दान देगा की कोई दान दक्षिणा देगा हजूर कहिंदे ऐसा मेरा सिख नहीं। प्रशादा छकाउण तो पहला सिख का किरदार उहदे जीवन के बारे विचार कर लेनी और प्रशादा छका कर छक करके जिहड़ा सिख परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख की भजन बंदगी करे नाम सिमरन जपे उस वाहिगुरु की भय भावना दे विच रवे वो मेरा संतोखी सिख है उन्हूं छकाया होया प्रशादा उस वाहिगुरु मालक परमेश्वर की दरगाह ते प्रवान हुंदा है। भेख ना प्यारो मोहे को
वर्ण नहीं प्रे काहे। ते इस तू अगे सतगुरु जी कहिंदे केवल ये जड़ा घर है ना परमेश्वर दा, इस घर दे विच भेख नू कोई जगह नहीं। भेख ना प्यारो मोहे को, किनका मात्र भी कोई भेख तारी बन करके सो कोई पोशाका पहन करके आखे कि मैं खालसा बन गया, नहीं। हजूर कहिंदे बाणा पहन देना खंडे बाटे दी पौल छकन तो बाद मेरा सिख वह है जिहड़ा मर्यादा रखता है, मेरा सिख वह है जो मेरे दसे हुए सिद्धांत ते चलता है। केवल बाणा पहनण दे नाल और पोशाका पहन लैना, लिबास बास धारण कर लैना, खालसियां वाला, साधुआं वाला, महात्मा पुरखां वाला, सूरमियां वाला लिबास धारण करन वाला भी केवल मेरा सिख नहीं, मेरे सिख दे विच जिहो जिहा लिबास उहने पहिनिया उहो जिहे गुण होने चाहिए, वह मेरा असली सिख है, मेरा असली प्यारा है। रहत सो प्यारी मोहे को सिदक महाप्रे आहे। इथों तक हजूर ने बचन किया है भी जेड़ा रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही। सानू सिख की गिनती की लोड़ नहीं भी इन्ने सौ करोड़ इन्ने सौ लख सिख होवे, इत्थे गिनती बिनती की थां नहीं कोई, इत्थे केवल सिद्धांत का वचन है, मर्यादा की खेड है। हजूर कहिंदे सब तो पहल असी मर्यादा नूं दिंदे आ भी जिहड़ा सिख गुरु वाला बन करके मर्यादा का धारनी वह साडा प्यारा है, पर मर्यादा का धारनी हो करके जे फिर भी धन का दौलत का किसी किस्म का उहदे विच लोभ है ना, वह किते ना किते फिर भी खता खा जाएगा। मर्यादाधारी होने दे नाल नाल सिदकवान होना बहुत जरूरी है। सिदकवान सिख तो साडा हजूर कहिंदे उस बहुत मैनू प्यारा लगता है, उहदे नाल मेरा बहुत ज़्यादा गूढ़ा संबंध है, वह मेरा असली प्यारा सिख है। रहनी सतगुर सिख की कही जो हित चित लाए। ये जिहड़ी मर्यादा है इस सारे प्रसंग दे विच कलगी तर दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो सिख दे रहन सहन का तरीका उहदी मर्यादा सारी दसी है भी सिखा इस तरह का तेरा जीवन होना चाहिए, केवल लिबास धारी ना बन जावी, केवल भेखा धारी ना बन जावी। जे कोई भेख धार के बह के आपकी पूजा कराउंदा है ना, तो एक तेरे विच गुण होना चाहिए भी उहदी उहदे जाके लोगों की तरह तू भी ना जा करके उहदी पूजा करी जावी, उहदे अगे जाके नक गोडे रगड़ी जावी। लिबास दे विच की है, इहदे हिरदे दे विच की है, केवल कला लिबास ही है, बारी के जां कुछ अंदर दी खेड भी है। इहदे कोले अमृत वेले दी जागरता है, इहदे कोले नितनेम है, इहदे कोले सेवा सिमरन है, केवल वेखा वेखी दा सिख ना बन जावी। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਗੋਡੇ ਰਗੜਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਝੁਕਾ, ਨੱਕ ਨਾ ਰਗੜੀ, ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਵੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਜੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣੈ ਭਗਤੀ ਲਹੈ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ, ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦਰਸਾਈ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਨਾ
ते फिर गुरमुखो कुछ भी नहीं, फिर असी परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख के नाम का बाणा पहन करके उस बाणी नू लाज ही ला रहे हैं। ते सतगुरु कहिंदे ऐसा सिख दे नाल मैं कदे प्यार नहीं करदा, इहो जे सिख दे नाल मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। तो जिहड़ा सिख मर्यादा धारी है, नाम बाणी का धारनी है, वह सिख अंत दे समय मुक्ति की दात भी पा लैंदा है, तो वह साढ़े घर दे विच भी आवेगा। दोहरा प्रथम समय श्री गुरु जी धर्म सो प्रिशाहित। कुछ समा पहला कवि जी कहिंदे है, साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़े लिबास धारी धर्मी बने हुए सन, उन्हां दी प्रीख्या लैन वास्ते, उन्हां दी अंदर दी खेड जानन दे वास्ते ना हजूर ने एक कौतक रचिया है। करियो जग निवता दयो, भोजन करियो संकेत। उत्थे लागे बने रहन वाले जिहड़े कहिंदे सी वी असीं धर्म दे धारनी आ, असीं जनेऊ पहनिया होया, असीं लोकां दे ताईं वचन करदे आ, किसे दा हक नहीं खाणा चाहीदा, जीव हत्या नहीं करनी चाहीदी, पाप नहीं करना चाहीदा। इस प्रथाए होर भी बहुत कुछ जिहड़ियां चंगीआं सिख्यावां लोकां दे ताईं दिंदे सन। उन्हां दी प्रीख्या लैण वास्ते हजूर कहिंदे असीं इक जग करना चाहुंदे आ, एक वड्डा भंडारा जिहड़ा लंगर दा उह करना चाहुंदे आ। इस संबंध दे अंदर जिहड़े लोक धर्म दे मुखी सन, अपने आप नूं धर्म दे जिम्मेवार घुआउंदे सन, उन्हां नूं प्रशादा पाणी छकण दा, ये भंडारे दे विच्चों लंगर प्रशादा छकण दा सद्दा पत्र दित्ता, उन्हां नूं सद्दा दित्ता है भी असीं प्रशादा छकाउणा चाहुंदे आ, ते तुसीं आण करके ये साडा जिहड़ा सद्दा इहनू कबूल करो, ते प्रशादा पाणी छकणा करो। भाख्यो हुतो सुनाए कहे, मास खाए दिज जोए। उत्थे सतगुरां ने प्रीख्या लैण वास्ते एक कौतक रचिया, वह कौतक कैसा है, हजूर ने जिहड़े जिहड़े सिंघां नू भेजिया सद्दा देण वास्ते, नाल उस सिंघ नू कहा भी इह भी जा करके भी सद्दा दित्ती जावीं कि जिहड़ा सिख जां जे वाहिगुरू जिहड़ा ब्राह्मण मास खावेगा भंडारे दे विच आण करके, जिहड़ा मास खावेगा, मास दे नाल प्रशादा छकेगा, भोजन छकेगा। शर्फी एक दशना तिशै लै गमन कर सोए। अते उहनू सोने दी एक मोहर दित्ती जावेगी, सोने की मोहर उन्हों दे दी जाएगी, वह अपने घर में लै जाए, चाहे वह रख लवे, चाहे वह वेच लवे, उहदा कुछ भी कर लवे, वह उन्हों भेटा वजों, भंडारे की भेटा वजों, प्रशादा पानी छकाउण की भेटा दे वजों, जिहड़ा ब्राह्मण आण करके मास खावेगा उन्हों वो भेटा जिहड़ी है एक मोर सोने दी वह दित्ती जावेगी। खीर खंड को भोगता एक रुपया पाए। जिहड़ा आण करके ब्राह्मण हो के ते कड़ा प्रसाद छकेगा, दाल फुलका छकेगा, खीर आदक छकेगा, ये भोजन छकेगा ना, उन्हों केवल एक रुपया देवांगे। बड़ा आश्चर्य जिहा कौतुक हजूर ने रचिया कि ब्राह्मण हो करके जिहड़ा मास खावेगा उन्हूं एक सोने की मोहर, तो जिहड़ा खीर प्रसाद दाल फुलका छकेगा उन्हूं एक रुपया देवांगे। खाए चुके बहु लोभ कर मास आहारी आए। ये जदों सद्दा पत्र हजूर दा, ये जिहड़े धर्म दे मुखी खवाउण वाले लोग सन भी असी इस तरह करदे आ, असी लोकां नूं सीधे रस्ते पाउणे आ, सिर दिंदे आ, उहनां दे ताईं पहुंचिया ते उहनां दे अंदर दे विच बड़ा ज़्यादा चा चढ़िया, उहनां कहा भी नाले प्रशादा पाणी चंगा छकांगे,
चंगे मास गुरु घर दे विचो खावांगे ते नाल भेटा भी खुली मिलेगी। वो भेटा खुली कैसी है? सोने की मोहर लैके अपने घरां नूं वाह चल करके आवांगे। बड़ा आनंद आएगा जी गुरु घर दे विचों भोजन छकन दा। ये लालचा रख करके, ये आस रख करके, तो बहु गिणती बड़े ज़्यादा जिहड़े लोग सने ब्राह्मण लोग जिहड़े धार्मिक स्थानां ते जा करके लोगों नूं चंगीआं सिख्यावां दिंदे सी, उह वी लालच दे वस हो करके, जिहड़े दुनिया नूं कहिंदे सी ना वी पता कोई नहीं वी इक साह आउंदा दूजे ने आउणा कि नहीं आउणा, वह भी लोग लालच वस हो करके आन करके बहु गिणती ज़्यादा जिहड़ी है वह मास खाण वालियां वाले पासे बैठ गए हन। खीर आहारी मोहर दा मास रुपया दीन, उन्होंने मन की इच्छा सी कि जेडे खीर खाण वाले थोड़े बहुते दो चार बैठे सन उन्होंने वेख वेख के टिचरां करते हैं। वो कहिंदे तुहानू जदों सदा आया है उहदे नाल इक सुनेहा भी सतगुरां दिता है उहदा भी ख्याल करो। वो सुनेहा ऐसा सी भी जिहड़ा खीर छकेगा उहनू एक रुपया देवांगे, जिहड़ा मास छकेगा उहनू एक मोहर सोने की मिलेगी। तो तुसीं खीर खाण वाले पासे बैठे हो तुहानू केवल एक रुपया मिलेगा, वह दूसरिआं नू टिचरां कर रहे हैं, दूसरे पासे बैठे हुए लोगों नू मखौल करते हन। बाक कहो श्री गुर तबै तन लोभी त्रमहीना, अते गरीब नवाज पातशाह जी ने यह सारा माहौल वेख करके जेड़े लोग मासाहारी मास खाने वास्ते बैठे सन ते धर्म का लिबास जिन्हें धारिया उन्हां नूं एक एक रुपया दे दिता, उन्हां नूं एक एक रुपया दिता। तो जिहड़े सबर संतोख दे विच रहिंदे आ भी असी लोकां नूं कहिंदे की आ ते असी आण के मास क्यों खाइए, अपने सबर दे विच रहे, अपने सिधांत ते रहे, केवल दाल प्रशादा छक करके गुरु के लंगर दे विचों आनंद लिया, उन्हां नूं हजूर ने एक एक सोने की मोहर दिती। सोने की मोहर दे करके तो दूसरिया ने इतराज प्रगट किया, महाराज तुसी भुलेखा खा के लगते हो, तुसी सोने की मोहर देने का वादा तो जिहड़े लोग मास खांदे उन्होंने किया सी। ते हजूर गरीब नवाज पातशाह कहिंदे नहीं भई, धर्मी की ते लोभी की, जे धर्म का धारनी हो करके फिर भी लोभ दियां पंडा अपने नाल ही चुकी फिरदा है तो फिर तेरा इहो जिहा धर्म इस घर दे विच प्रवान नहीं हैगा। तुसी लोभ दे वस हो करके, लोभ लालच दे वस विच आन करके तुसी धर्म तो हीणे पुरख हो, तुसी केवल धर्म का लिबास ही पहनिया होया है, तुसी अंदर दी खेड तो कोहां दूर हो। असी उन्हां नूं सोने दीआं मोहरां दे के नवाजांगे जिन्हां ने केवल गुरु घर का दाल फुलका प्रशादा पानी शादा भोजन छक करके आपदे धर्म की मर्यादा नूं कायम रख्या, उन्हां नूं सोने दीआं मोहरां दवांगे। ए साधु जिन लोभ नहि धर्म कमायो सत, अते नाल ये बचन किया भी भाई तुसी सोने की मोहर की खातर तुसी अपना धर्म त्याग दिता। तुहाडा धर्म यह गल कहिंदा भी किसी की हत्या करनी, किसी नूं जानो मार देना, किसी जीव हत्या करके अपनी जबान दे रस दे वास्ते भोजन प्रशादे तरह तरह के रस बना करके खाने ये ठीक नहीं। तां फिर हजूर कहिंदे ये लोग जिहड़े सच्चे ने तुसी उन्हां दे अपने दर्साए हुए मार्ग तो सोने की मोहर पिछे थिड़के, पर ये जिहड़े दूसरे पासे सादा दाल फुलका छकन वाले लोग ने इन्हां ने धर्म कमाया ते गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दे घर दे विच धर्मी पुरखां दा सत्कार है। जिहड़ा धर्म दा सत्कार करदा है, धर्म के दर्साए मार्ग से चलता है, गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का घर उन्हूं हमेशा माण सत्कार प्यार दिंदा है। मास खाए बिपर कहां
सो चंडाल का मित जेड़ा भाई ब्राह्मण अपने आप नू कवे कि मैं ब्राह्मण हाँ उची सुची सोच का धारनी है लोगों नू सीधे रस्ते ते चलन की सिक्ख्या दिना वो आप मास खावे हजूर कहिंदे उह ब्राह्मण कहाउण दा हकदार ही नहीं वो तो चंडाल उनू कहना चाहिए चंडाल है वो जीवां दी हत्या करके उन्हां दा खून पी करके उन्हां दा मास खा के अपने पेट की पूर्ति करता है क्यों आप रसा कसा दे विच डुब्या होया है उन्हूं की पता है भी परमेशर वाहिगुरु अकाल पुरख के नाम की खेड है। सो असी एहो जे ब्राह्मण नू एहो जे धर्मी नू एहो जे अपने आप नू धर्मी कहाउण वाले लोगों का कदे गुरु घर दे विचो सत्कार नहीं करते। पीछे सतगुर इम कहो सुनो सिख चित लाए ये बचन करके ना ये सारा कौतक रचा करके कलगी तर दशमेश पिता सतगुरु जी अपने सिखां दे ताई में बचन किया हे गुर सिखो ये जो असी कौतक किया है जो ये सारा कुछ रचिया है ना ये ते गौर करना करो ये ते विचार करनी करो। सिख होए अमिख पखाए बिपर नहीं सुखाए अते होवे सिख ते वो इस तरह जीव हत्या करके खावे ब्राह्मण होवे वो जीव हत्या करके खावे रसा कसा दे विच डुब्या होया गुलतान होया होया जीव वो परमेशर वाहिगुरु अकाल पुरख के घर का रस्ता नहीं जे दस सकता जेड़ा आप उहदे घर तो कोहां दूर है वो तुहानू रस्ता नहीं विखा सकता कि परमेशर दे घर का आ रस्ता है। जेड़ा अपने आप नू धर्म का लिबास पहन के धर्मी कह के मास खावे शराब आदिक पीवे सुनशीले पदार्थों का सेवन करे जो गुरमत तो उल्टने वस्तुआं उन्हां दा सेवन करदा होवे उहदे पिछे लग करके किवें तुसीं वाहिगुरु अकाल पुरख परमेशर दे घर नूं पहुँच जाओगे। बचन सुनियो सब संगति करी बेनती ये बचन सुन करके सतगुरां दा ते संगत ने हजूर दे चरणां च बेनती कीती है महाराज असी आप जी दे चरणा च बेनती करदे हां कृपा करो पातशाह जी जो दिज होए सिख पहुली ताकी करनी के है जिस तरह तुसी कहिंदे हो कि जिहड़ा साडा सिख है उहदे विच वी असी सुचजे गुण भरदे हां साडा ब्राह्मण तां भई साडा सिख ही है हजूर तो पहला गुरमत की मर्यादा तो पहला लोग ब्राह्मणा की पूजा करया करते सी ब्राह्मण पूजा करनी उन्हां नू खीर प्रसाद कड़ा आदि खवाउणा और नाल दान दक्षिणा भी देनी ते हजूर कहिंदे भई जिहड़ा साडी मर्यादा है ये साडे सिख जिहड़े सारे ब्राह्मण ही ने जिहड़े सिख गुरबाणी पढ़दे है सेवा सिमरन करदे है परमेशर की भै भावना दे विच रहिंदे है ये सारे वाहिगुरु अकाल पुरख परमेशर दे घर दे नवाजे हुए ने साडे वास्ते यही ब्राह्मण ने असी अपने खालसे की पूजा करते हैं साडा सीस अपने खालसे अगे ही झुकता है असी खालसे दे कहे हुए बचना दे उत्ते पहरा दिंदे हैं। सो ये बचन हजूर गरीब नवाज पातशाह संगतां दे नाल कर रहे हन बाक भयो तब गुरु का आलम सिंह सपूत जदों संगतां ने बचन कीता महाराज कृपा करके पंथ दी खालसे दी मर्यादा दसो ते भई आलम सिंह सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दा निकटवर्ती सिंह है हजूर दे कोल गड़वई की सेवा करने वाले भाई आलम सिंह जी उन्हां दे ताई हजूर बचन करते ने कि हे भाई सिखो गुरमुख प्यारे हो मेरे पुत्रो मेरा क्या होया बचन जो असी बचन दस रहे हैं उन्हूं सुनना करो। क्षत्रि धर्म सो पाए के दिज ते पाप पुरहूता अते
जिहड़ा खालसा ही माणा पहन करके परमेशर वाहिगुरु अकाल पुरख का सिमरन करता बाणी पढ़ता है ना, अमृत वेले उठ करके नितनेम करता है, शस्त्रधारी सूरमा है, उस वाहिगुरु अकाल पुरख परमेशर दे घर दे विच प्रवान है, वो इंद्र देवते दी पदवी उन्हों प्राप्त है, वो संतगृहस्थी जीवन दे विच रह करके परमेशर का नाम जप के चुगली निंदिया वैर विरोध ईरखा तो रहत हो के जीवन बसर करे, वो ही साढ़े वास्ते इंद्र देवता है। ता की दिजता शत्र की करै खड़ग की सेवा, वो भई साडा असली ब्राह्मण वो है, असी उन्हों खालसा कहने कि जिहड़ा सूरमगति दे विच जो सूरमिया की मर्यादा विच जावे ते शास्त्रां दी सेवा करनी, तलवार नूं पहन करके ते तलवार पहन करके ना होवे भी तलवार म्याण दे विच ते उह जंगाल दे नाल भरी होवे, इस तरह नहीं, शास्त्रां अपनियां दी सेवा करन वाला होवे, अमृत वेले उठ करके परमेशर दा नाम जपन वाला होवे, नितनेम करन वाला होवे, बाणी ते भरोसा रखन वाला होवे, शरदा भावना दे विच भिज करके उस वाहिगुरु काल पुरख की बाणी अमृत वेले गावे, सुने पढ़े चित करके ते शस्त्रां दी सेवा करे, शस्त्रां दी पूजा करे, उन्हां दी साफ सफाई करनी, उन्हां दा अदब सत्कार करना, शस्त्र नूं पैरां वाले पासे ना रखदा होवे, वो साडा सिख जिहड़ा वो इंद्र देवते दे समान है। निवता दानना पूजले जो दे अस दुख तेवा, अते दूसरा हजूर ने अगे फिर वचन किया भी मेरा सिख ये ना होवे भी बाणा धारण करके चंगा शरीर रिष्ट पुष्ट होवे, शरीर तंदुरुस्त होवे, वो केवल किसी की आस रख करके बैठा रहे भी कोई मेरे को आएगा, किसी कहे भी मैं गुरु का सिख हाँ, मैं इन्नी बाणी पढ़दा, मैं इन्ना करदा, ये मेरी वड्डी सेवा है, तो लोगों तो आप बैठ करके तो धन की इच्छा ना रखता हो, बैठा बैठ करके कहे कि मैं इन्ना ज़्यादा जपी तपी हाँ, मैं गुरु का सिंह हो के ते किसे अगे हाथ ना अड़दा होवे, अपनी किरत कमाई करन वाला होवे, पूजा दा धन नहीं लैना, पूजा दा धन नहीं खाना, अपनी किरत करनी, अपनी कमाई करनी, ते गृहस्थी जीवन दे विच रह करके वाहिगुरु नूं याद करना, सिमरन करना, हाथ पाओ कर काम शुभ चीत निरंजन नाल, इस महावाक दे अनुसार संसार दे विच विचरदिआं गृहस्थी जीवन दे विच विचरदिआं कार विहार करदिआं उस वाहिगुरु मालक की याद खिरदे दे विच समो करके रखनी, उन्हों सदा ही अपने अंग संग रखना है। जाहीं ते हम उतरियो जग पवीत की आन, कोई समा हजूर कहिंदे उह पहला समा सी जदों जनेऊ दीआं लोक कसमां खांदे सन, पर हुण तां उह सारा असी जनेऊ आदक दा तो कोई मसला रहिण ही नहीं दित्ता, हुण केवल शस्त्रधारी मेरा सूरमा है, मेरा सिख जिहड़ा है वह शस्त्रधारी होवे, साबत सूरत होवे, सिर ते सोहना दमाला सजदा होवे, ते गल दे विच शस्त्र सजाए होण, वस्त्र पहन के उत्ते शस्त्र पहने होण, वह मेरा असली रूप है, उहदे विच ही मैं निवास करदा हाँ, उहदे विच ही मैं वसदा हाँ। मदरा आमख छोरना इह विपर की मान, अते मदरा शराब आमख मास इन्हां चीज़ां दा धारनी ना होवे, इन्हां चीज़ां तो रहत होवे, इन्हां चीज़ां तो दूर होवे, और उही साडा उच्चा सुच्चा ब्राह्मण है, उही साडा पंडित है, असी तो भाई उन्हों कहने भी ऐसे सिख ब्राह्मण प्रशादा छकायो, उहदी सेवा करियो, उहदा सत्कार करियो, जिस सिख दे विच गुण होण उही साडा ब्राह्मण है, क्योंकि कई बार हुंदा ना भी कोई किसी की पूजा करता तो कहिंदा तुसीं भी इहदी पूजा करो, ये ब्राह्मण की पूजा करो, इस देवते की पूजा करो,
हजूर कहते मेरे वास्ते सारा कुछ मेरा खालसा ही है, खालसा मेरे रूप है खास, ये भी बचन किते खालसे मैं हूँ करो निवास। तो मैं इन्हां दे विच निवास रखदा, इन्हां दे विच यकीन रखदा। तो हजूर कहते जिहड़ा असली खालसा शुद्ध खालसा है ना, वो कदे नशीली वस्तु की जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाण ई, खसमों धक्के खाए। जिहड़ा शराब का पींदा है, शराब का सेवन करता है, तो साहब की बाणी के भी बचन ने जित पीते मत दूर होए, जिस वस्तु नू पीण दे नाल मत दूर हो जाए, बरल पवे विच आए, दिमाग दे विच सोझी बोझी ना रवे, सुधी बुद्धि ना रवे कि मैं करन की रहा, मैं बोल की रहा, मेरे मुख तो बचन किहड़ा निकल रहा है, वो कहदा पई सिख होया। जिन्हों अपने दा ते पराए की पछाण ही नहीं, मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, इहो जी वस्तु शक करके भी जे कोई कहे मेरा सिख, हजूर कहिंदे नहीं खसमो धक्के खाए। वो तो परमेशर वाहिगुरु अकाल पुरख की दरगाह दे विच्चों भी उन्होंने धक्के ही पैंदे ने, उन्हां वो साडा सिख नहीं जिहड़ा अकाल पुरख परमेशर की भय भावना दे विच रहिंदा है, वो कदे वास्ते इन्हां वस्तुआं का सेवन नहीं करता। सो कदे भी भुल करके भी हजूर कहिंदे साढ़े सिखा ने इहो जे तरह दीयां वस्तुआं दा सेवन नहीं करना। ब्राह्मण हो कै बद करै हिंसा मास न खाए। अते ओ भई ब्राह्मण कहदा है जिहड़ा ब्राह्मण हो करके अपनी मर्यादा ना रखे, ओह भी ओह सिख भी नहीं भी जिहड़ा सिख हो करके अपनी मर्यादा कायम ना रखे। मर्यादा ये है कि हिंसा नहीं करनी, किसी जीव की हत्या नहीं करनी, किसी नू अपनी जबान के रास्ते पिछे किसी जीव नू वढ़ करके उहदा मास बना करके खा करके आपदी जबान दा या अपनी रसना दा रस लैन वास्ते किसी नू जानों ही मार देना, ये ठीक नहीं। मेरा वो खालसा नहीं, ना मास ना खाए, ना कदी हिंसा करनी, ना मास खाना, ना किसी ते जुल्म करना, ना किसी ते जबर करना। सो सदा ही उस वाहिगुरु परमेशर दी भय भावना दे विच रहना है। खावे जो लुच्चा सो दिज साम चंडाल कहाए। ते जेड़ा भई हजूर कहिंदे ने जीव हत्या करके मास खांदा है, वो तां ये चंडाल बिरती दा मालक है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण दा तां धर्म है कि वह परमेशर दे नाल वाहिगुरु काल पुरख दे नाल मिलाप दा रस्ता दसे। सिख दा भी ये कर्म है, जदों सिख नूं सिख मिले तो उहदे मन दा इह फुरना होए कि आपां सतगुरां दे उपदेश की विचार करिए, गुरु के इतिहास की विचार करनी, बाणी बाणे दे प्रति विचार करनी। सो वो सिख कदे जिहड़ा इहो जी बिरती रखदा होवेगा, शराब आदक का सेवन करन वाला, होर कोई नशीली वस्तु का सेवन करदा है, कोई मास आदक का सेवन करदा है, हजूर कहिंदे ओ परमेशर वाहिगुरु अकाल पुरख का रस्ता नहीं विखा सकता, उहदे घर दे नाल ओह किवें जोड़ लवेगा, क्योंकि आप उहदी दरसाई मर्यादा तो आप वाहिगुरु के दिते हुए सिद्धांत तो उल्ट चल रहा है। सो इहो जे लोगों पर भरोसा नहीं करना, इहो जे लोगों के उत्ते कोई आस आदक नहीं रखने। लोभहीन समता तरै करै ज्ञान को अंग। अते खालसा का असली शुभ कर्म यह है लोभ लालच तो रहत हो करके एक रस परमेशर वाहिगुरु का सिमरन करना, ते ज्ञान दी भाल दे विच रहना, सारे धर्मां दे ग्रंथ पढ़ने वचने, और कितों भी ज्ञान दे ज्ञान दी बाबत कुछ मिलदा है जिस तो सानू ज्ञान प्राप्त होवे, साडे जीवन दे विच चंगा बदलाव आवे, चंगे पासे साडे जीवन दी लड़ी तुरे,
वो चीज़ा ग्रहण करना वो जेडे बचन ने उन्होंने धारनी हो करके रहना है। देव रखी सो होत है मेरे बाक अपंग। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी कहते हैं जेड़ा मेरा सिख होवे ते वो अमृत वेले तो उठ करके नित नेम करता होवे परमेश्वर की बंदगी करता बाणी पढ़ता है मास आदक का सेवन नहीं करता जीव हत्या नहीं करता पाप नहीं करता किसी का हक नहीं खाता किसी का हक मारदा नहीं किसी गरीब के उत्ते जुल्म नहीं करता तो लोभ लालचा तो रहत हो करके सदा ही ज्ञान की भाल दे विच रहिंदा चंगे गुणा के धारनी होण की इच्छा मन के विच उपजदी रहिंदी इच्छा जागदी रहिंदी है जिन्हां दी ते ओ भई असली देवता ओ ही है असली ऋषि मुनि ओ ही है जिहड़ा चंगे गुणा के भाल दे विच रहिंदा है भी मैनू कि चंगे गुणा की दात प्राप्त हो जाए मेरे बाक अपंग हजूर कहिंदे जिहड़े मेरे साडे बचन है मुख तो कहे साडे बचन अटल ने जिहड़ा साडे कहे हुए बचना नूं कमा लवेगा वो जीव का पार उतारा हो जाएगा वो जीव का भला हो जाएगा। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह रहमता करन कृपा करन सतगुरु जी अपनी दर्शाई हुई मर्यादा सतगुरु अपने दर्शाए हुए पावन उपदेश जो सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने सानू बख्शिश किए ने दसे ने उन्हां दे उत्ते चलण दी साडे विच भी समर्था भर देन यतन करिए। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो बचन कहे ने साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे चरणां च अरदास करिए कि सतगुरु गरीब नवाज तेरी दरसाई मर्यादा दे उत्ते सानू जीवन जांच जिहड़ी उह आ जावे आप जी दे दसे हुए हुक्म दे अनुसार असीं अपना जीवन बसर करके ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ अगाह तो समत प्रदान करनी कल दे दीवाना दे अंदर साहब जी दे अगले बचना दे और गुरु के पावन पवित्र इतिहास की आप विचार सरवण करांगे ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਲੋਭਹੀਣ ਸਮਤਾ ਤਰੈ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਕੋ ਅੰਗ ਦੇਵ ਰਖੀ ਸੋ ਹੋਤ ਹੈ मेरे बाक अपंग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।